हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके इलेक्ट्रिक सर्च में स्वागत है। जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते रहते हैं, आप कैसे जार को बना सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर के जार को आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे ये खराब होता है। और आपको अगर जहां टूल्स के बारे में नहीं जानकारी है, नहीं पता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके टूल्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। उसमें हमने टूल्स के बारे में सारी जानकारी बताई है कि क्या कौन सा क्या है, किससे क्या काम होता है, किसका क्या वर्क है, ये सब सारी जानकारी हमने उस वीडियो में बना रखा है। तो आप वहां से जा करके सीख सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज इस जार को देखेंगे, इस जार में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के आधार पे ही आप जार को बना सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम कोई दूसरी रहे और आप बनाना शुरू कर दें कोई दूसरा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी तरीके से न्यू ट्रिक का वीडियो बना सकें, आपको दिखा सकें कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये मिक्सर ग्राइंडर का जार है जो कि देखेंगे ये हिल रहा है, ये देखिए ये भाग रहा है इधर उधर। तो इसको सबसे पहले अंदर से कपड़ा ले लीजिएगा। कपड़ा लेने से ये फायदा रहता है कि नीचे ब्लेड जब आप पकड़ेंगे तो ये जो है ब्लेड हाथ में नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसे खुले में पकड़ेंगे तो ये हाथ में लग जाएगा और लगने का खतरा रहेगा, चांस रहेगा। तो इस हिसाब से पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद कपलिंग टूल्स की सहायता से इसको कपलर को खोल लीजिएगा, क्लॉकवाइज सीधी दिशा में खोलिएगा ऐसे ही, जिस तरफ सब चीजें लॉक होती हैं उस तरफ ये खुलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे खोल लेंगे कपलर को, ये कपलर खुल चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सब सही है। तो ये आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, ये जो बोल्ट लगा है इसका बुश जो है, ये जो ये बुश है, ये अंदर से देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो ये देख सकते हैं ये टूट चुका है। टूटने की वजह से ये ऊपर नीचे बबलिंग कर रहा है और ठीक से नहीं चल रहा है, अटक अटक जा रहा है। जब ये आधा टूट चुका है, आधा इससे टूट चुका है, तो उसी में आकर के फंस जा रहा है, आधा ही बचा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में ये करना है कि आपको ये बुश तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसका बुश नहीं चेंज होता है। तो बुश नहीं चेंज होता है तो इसका पूरा साकेट ही आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हीट होकर के यहाँ पिघल भी चुका है, ये देखिए। ज्यादा देर चलाने पे लगातार जब चला देते हैं आप लोग तो ये हीट हो जाता है, हीट होकर के जब वो वाइब्रेट करता है तो उसी में वो हीट होता है। तो इसको आप पकड़ करके ही चलाया करिए, नहीं तो ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो अभी हम इसका जो है साकेट ये पूरा अब चेंज करना पड़ेगा, ये साकेट जो है ये नया लगाना पड़ेगा। तो अभी हम आपको इसको चेंज करके आज इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो लंबा भले हो रहा है मगर देखिएगा, आपको सही जानकारी मिलेगी जिससे आप सही तरीके से बना सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्क्रिप करके देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्क्रिप किए देखिएगा। बोल्ट रिंच की सहायता से हम इसको खोल लेंगे अभी। जब ये इस तरीके से ना खुले तो क्या करना है, तो फिर इसको काटना पड़ेगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये अभी नहीं खुल रहा है, ज्यादा इसमें जंग लग चुका है, तो अब हम इसको काट देंगे। ये काटने पे निकल जाएगा इसका बोल्ट जो है, ये बोल्ट है, इसको काट देंगे। काटेंगे कैसे, हथौड़ी से और छेनी से, हथौड़ी और छेनी से इसको काट देंगे। ये बहुत आराम से कट चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही सड़ गया था, टूट गया था। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, जब ये बोल्ट निकल जाएगा तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा। अभी इसका वार्सर निकाल लीजिएगा, क्योंकि वार्सर भी दिक्कत करता है, वार्सर भी हल्का से इसकी सहायता से थोड़ा कर देंगे, नहीं तो हथौड़ी की सहायता से थोड़ा इसको ठोक देंगे।
ये अब निकल जाएगा हल्का सा ऐसे ही। इस तरीके से ठोकेंगे और घुमाएंगे, मूव कराएंगे, ये ऐसे ही निकल जाएगी। ये देख सकते हैं ये निकल चुका है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। निकलने के बाद कपड़े से इसको थोड़ा साफ कर दीजिएगा, जिससे इस पे जो डस्ट बैठा रहेगा वो इस छूट जाएगा, और जब डस्ट छूट जाएगा तो ये इसमें जो वाटर चिपकेगा बढ़िया चिपक जाएगा, तो ये लीकेज की समस्या नहीं रह जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको साफ कर दीजिएगा, अंदर भी जितने पार्सल लगा था उसको भी थोड़ा साफ कर दीजिएगा। साफ करने के बाद इसी साइज का आपको जो भी रेट में मिल जाए मार्केट में आप मिला लीजिएगा, ऐसे ही साइज मिला लीजिएगा। दो चीजें मैच करानी पड़ती हैं, एक तो ये साइज कि उतना ही बड़ा है, और दूसरा चीज ये घाट जो बना रहता है उसमें बैठता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके मिक्सर ग्राइंडर में नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, उसके बाद अभी हम इसको फिर लगा देंगे। तो इसका बोल्ट खोल लीजिएगा, ये वार्सल निकाल लीजिएगा इसके अंदर से। वार्सल निकालने के बाद बस जैसे निकालते हो वैसे ही बैठा देना है इस तरीके से, और वार्सल को जरूर लगाइएगा, नहीं लीकेज की समस्या आ जाती है। तो इस तरीके से बोल्ट से कस देंगे, कसने के बाद फिर बोल्ट रिंच की सहायता से इसको टाइट कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, इस तरीके से इसको टाइट कर दीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है एकदम बढ़िया, बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से टाइट होने के बाद इसको फाइल्स की सहायता से हल्का सा इसको साफ कर देंगे। साफ क्यों करेंगे, क्योंकि नया जब रहता है तो उसका जो है घाट सही से नहीं रहता है, थोड़ा बहुत साफ खाई करनी पड़ती है, जिससे साफ इसके अंदर अच्छे से घुस जाए। तो इस तरीके से साफ कर दीजिएगा फाइल्स की सहायता से, गोल वाला फाइल्स लीजिएगा, ये नहीं कि रेती जिसे हम कहते हैं। इस तरीके से साफ कर दीजिए, एक ही बार घुमाइएगा, एक बार घुमाने के बाद निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर थोड़ा इसको साफ कर लेंगे। इसका साफ जो है साफ साफ करने के बाद थोड़ा सा आइलिंग कर देंगे, इस तरह से आइलिंग कर देंगे। आइलिंग करने के बाद इसमें एक बार पहले बैठा के देखेंगे कहीं ब्लेड नीचे लड़ तो नहीं रहा है, तो अभी इसमें थोड़ा सा अंदर की तरफ में वार्सल लगा दीजिएगा, क्योंकि जब ये बैठ रहा है तो देखेंगे ज्यादा बैठ जा रहा है, ये ब्लेड नीचे तक जा रहा है, तो इसमें वार्सल लगा दीजिएगा। वार्सल लगा देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो इस तरह से अंदर में साफ में वार्सल लगा देंगे, ये वार्सल लगा दीजिए। वार्सल लगाने के बाद अब इसमें बैठाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं अब ये ऊपर उठ चुका है। वीडियो में आपको सही ढंग से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा सा लूज है, प्लस धूप भी आ रही है। आपको सिखाने के पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप इस तरीके से देख लेंगे कि ये जो है ब्लेड ऊपर रहे, उसमें बजे ना, उस हिसाब से वार्सल इसमें बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद बस कुछ नहीं करना है, ये जो जितने साइज चूड़ी ये बनी है साफ्ट की चूड़ी, जहां तक उसके नीचे तक वार्सल पूरा लगा दीजिए। वार्सल लगाइएगा तो साफ्ट के साइज का ही वार्सल लगाइएगा, बड़ा ना लगाइएगा, जिस हिसाब से साफ्ट का है जितना मोटा है अगर जहां इस हिसाब से इसमें लगा दीजिएगा। ये लग चुका है, अब कपलर से इसको टाइट कर दीजिएगा, कपलर को एंटी क्लॉक वाइज ये टाइट होगा इस तरीके से, कपलर को टाइट कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो ये टाइट हो चुका है एकदम, तो अभी आप देख सकते हैं ये चल भी रहा है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो अगर जहां आपको कोई सा भी
दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज नहीं आपको समझ में आया है, जिससे हम आगे भी आपके लिए वो वीडियो बना सकें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। थैंक यू।